अपराध को नियंत्रण करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डंडे और कलम चलाने वाली खाकी अब दिन रात लोगों के लिए दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने में जुट गई है। कोरोना हॉटस्पॉट मकबरा व उनसे सटे केतुनीपुल सहित अन्य सीआई व पुलिसकर्मी 15 से 20 घंटे सेवा कर असली कोरोना योद्धा बने हुए हैं। केतुनीपुल थाने के सीआई संदीप वैष्णोई दिन रात ड्यूटी पर व्यस्त होने के कारण इत्मीनान से बच्चों और परिवार वालों से भी नहीं मिल पाते हैं। उनके अब तक के कैरियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महामारी के चलते कर्फ्यू लगा हुआ है। वो एक पुलिस अधिकारी के बजाय आम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिन भर लोगों के घरों में पहुंचकर सेवा कर रहे हैं। ये वो कोरोना योद्धा है जो देर रात तक घर पहुँचते हैं और सुबह जल्दी वापस ड्यूटी पर लौट आते हैं। इतना ही नहीं, खाने पीने और कपड़े रखने तक की व्यवस्था अलग बना रखी है और घर पहुंचते ही सबसे पहले खुद को सैनिटाइज करते हैं ताकि कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं हो। मकबरा, केतुनीपुल व रामपुरा सहित कोरोना प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस इलाकों से में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एक ASP, 3 DYSP व 3 CI सहित 800 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात रहता है। आजकल जिंदगी में पहली बार बहुत मुश्किल रूटीन है। ये एक अलग तरह की समस्या है जो कि हमको कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। मेरे एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं होकर एक कोरोना महामारी के लिए लगा हुआ है। इसमें हमको बड़ी संवेदनशीलता से व सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ रही है, जिसके तहत हमें कोई भी किसी को दवाई सप्लाई है, घर पर राशन है, बीमार है, इसकी व्यवस्था की जानी पड़ रही है, जिससे सिविल प्रशासन का सहयोग काफ़ी मुश्किल है। 15 से 16 घंटे रोज हमको काम करना पड़ रहा है। मैं मेरे बच्चों को टाइम भी नहीं देता, मैंने मेरे बच्चों की फीस भी जमा नहीं करा सका आइलैंड के अंदर।